सर देखिए लाइव राजू कुमार आप सभी देख सकते हैं किसी ने माना नहीं है, इस वजह से हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हमारा मांग है कि हम वेंडर चेंज करवाएंगे क्योंकि वेंडर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वेंडर पीछे से हम रिजल्ट चेंज कर रहे हैं, हम एग्जाम प्री एग्जाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमारे वेंडर में कुछ प्रॉब्लम थी, हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये सॉफ्टवेयर में सारी प्रॉब्लम अगर हो रही है ना, तो आप सॉफ्टवेयर चेंज करो, वेंडर चेंज करो, किसी और को दो। तीसरा जो है एग्जाम की तैयारी कर रही है सर। इस समय हमें सर पैसों से ज्यादा सर एक प्रॉब्लम है सर, हमारी तो हमारा साल बर्बाद हो रहा है सर। एसएससी का एग्जाम हुआ था 30 को और 1 तारीख को सर, बहुत चीटिंग हुई सर, बहुत सर्वर डाउन था सर, बहुत प्रॉब्लम हुई सर हमको सर, बहुत प्रॉब्लम हुई सर। हम 2 दिन से धरना दे रहे सर एसएससी ऑफिस के सामने की हमारी बात सुनी जाए सर, कोई एक्शन नहीं हुआ है सर। हाँ सर है सर, सब है सर। हाँ सर, सर यहाँ पे बहुत बच्चे अभी भी खड़े होंगे जो सर प्रॉब्लम में है सर। जी सर, ठीक है सर, जी सर जरूर। तो मैं आपसे जो अनिश्चितकालीन धरना पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, मेरी जब इनसे बात हुई तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग एसएससी में क्वालिफाई कर चुके हैं, सारा टेस्ट पास कर चुके हैं, उसके बाद भी पिछले 5 सालों से इनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। और इसके बाद इन लोगों का कहना है कि एसएससी से कई बार मिल चुके हैं, मंत्रियों से कई बार मुलाकात हुई है, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है सरकार का। आप लोग कब से धरने पर बैठे हुए? 23 अगस्त, जो 23 अगस्त से बैठे हुए हैं, और 126वां दिन आज एसएससी ने वैकेंसीज निकाली थी 72,300 बीएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी सीआईएसएफ, उसमें हम लोगों का पहले फिजिकल कराया गया, फिजिकल क्वालिफाइड किया, उसके बाद एग्जाम कराया गया, एग्जाम क्वालिफाइड किया, उसके बाद में मेडिकल कराया गया, मेडिकल हम लोगों ने क्वालिफाइड किया, तब भी हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। तो पिछली सरकार थी जब यूपीए की सरकार थी तो आपने क्वालिफाई किया, आप तो एनडीए की सरकार आ गई, ये सरकार कहते कि रोजगार देंगे, इस सरकार से भी आप लोगों ने मिलने की कोशिश की, मंत्री से मिलने की कोशिश की, क्या रिस्पांस था? राजनाथ जी से मेरी करीब 7 बार मीटिंग हो चुकी है। 7 बार आप लोग होम मिनिस्टर से मिल चुके हैं? 7 बार मीटिंग हो चुकी है, हमारे यूपी के सभी सांसद हमारी तरफ से लड़ रहे हैं और वो बार बार राजनाथ जी से, वो भी आग्रह कर रहा है कि इन बच्चों को नौकरी दी जाए क्योंकि ये इसके पात्र है। ये जो थे अजीत जी के रेफरेंस से सारी चीजें हो रही है, अजीत जी फ्रंट में नहीं थे। तो प्रमोद जी हमसे बोले कि चलो सर यहाँ पर अप्रोक्सिमेटली एट अ टाइम मस्ट वी हैव टू पे 3 लाख रुपीज। और दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, सेंटर पर आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा। मैंने कहा सर व्हाट डू मीन बाय कॉपरेट? तो उन्होंने कहा कि कॉपरेट का मतलब यह है सर, यहाँ पर प्रत्येक बैच में 20 या 26 बच्चे का हम लोग सेटिंग करेंगे जिसमें आपका कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि बाथरूम गिराने के दरमियान वो लोग स्कॉलर को बैठाते हैं
आपको करोड़ों की कमाई होगी, आपका जितना भी लगा हुआ है हम लोग सोचेंगे कि एक बार में आप 2 से 3 करोड़ रुपया कमा लीजिएगा। तो मैंने इसका खिलाफ किया, मैंने कहा सॉरी सर, मैं 10 बाय 10 कांग्रेस से यहाँ पर आया हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, बिहार लेवल पर भारत के अवार्ड भी मिल चुका है मुझे, नेशनल लेवल पर शिक्षा रत्न भी मुझे मिला है, और मेरी छवि ऐसी है कि हम 2 पल के लिए टेम्पोररी इनकम परमानेंट प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी चीजें क्या है कि अदर सेंटर के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है छोटे सर मैं निकल रहा हूं, और यहां से जाने के बाद कल उन्होंने मेरे को डायरेक्ट अचानक यह मैसेज आ गया कि आपका सेंटर कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मेरा 70 लाख लगाया हुआ इन्वेस्ट किया हुआ सेंटर को कैंसिल कर दिया और उन लोगों को उन्होंने दे दिया। मैं भी हो सकता है कि उन्होंने उनकी बातों से सहमत हुए उनको सेंटर उन्होंने दे दिया। दूसरी चीज तो मैंने पैरामीटर पूछा कि आखिर में एसएससी का कोई तो पैरामीटर होगा मुझे रिजेक्ट करने का, तो आप आइए हमारा सेंटर देखिए, आप लोग भी वीडियोग्राफी देखिए कि मेरा इतना हाईटेक सेंटर है, मेरे सेंटर का 100 टाइम नीचे वाले सेंटर को कचरा में उन्होंने सेंटर दिया है, जहां पर बच्चे खड़े नहीं होंगे, पाकी है, कीचड़ है, कूट से किया गया है, वहां पर उन्होंने सेंटर दे दिया और मेरे सेंटर को पैरामीटर का झांसा देकर करके उन्होंने मेरे सेंटर को रद्द कर दिया। तो मैंने उनसे एक ही चीज कहा सर प्लीज गिव मी रिटर्न, भले आप मुझे रिटर्न दीजिए कि मेरा पैरामीटर कौन सा ऐसा कमजोर है जो एसएससी के पैरामीटर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये है एसएससी के जो मिले हुए हैं हमारे पास, जो आए हुए थे सर प्रमोद जी आए हुए थे, अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, नागमणि जी भी हैं और प्रेम भी आए थे, और लास्ट में जब मैं एक्शन लिया कि आई विल टेक फाइनल डिसीजन, मैं मीडिया को खबर करूंगा, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर चंद्रमदन मिश्रा से हमसे बात कराई कॉन्फ्रेंस में, और चंद्रमदन मिश्रा जी ने मुझे आश्वासन दिया चौबे जी ये सेंटर तो नहीं होगा, अगला से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि अगला सेंटर मैं जरूर आपको दूंगा। मैंने कहा सॉरी सर अनवांटेड डिमांड और सेटिंग परमिशन मैंने नहीं दिया, तो आपने मेरा 1 महीने का सेंटर कैंसिल कर दिया। शुरुआत उत्तर प्रदेश से, जहां आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया है, छात्रों ने तोड़फोड़ की है, परीक्षा ले रहे शिक्षकों से मारपीट की है। उत्तर प्रदेश में एसएससी की परीक्षा हो रही थी, वहां पर यह उत्पात हुआ है। परीक्षा में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि कई तरह की बातें वहां पर सामने आ रही थी, पेपर लीक की अफवाह थी, इसके अलावा छात्र देर से पहुंचे थे और देर से पहुंचने के अलावा कई छात्रों के पास पहचान पत्र भी नहीं थे, प्रवेश भी नहीं मिला था, इन सब बातों को लेकर वहां पर हंगामा।